आज पढ़ेंगे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत विभव में मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल होता क्या है? एकांश स्वतंत्र धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात जैसे कोई भी एक स्वतंत्र धन आवेश है, यहाँ पर मान लीजिए एक धन आवेश है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जितना का किसी बिंदु तक लाने में, अब मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, एक अनंत से है इस एक बिंदु पे लाने के लिए हमें जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही तो हम क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे। अर्थात जैसे कि हम ऐसे रफ करते हैं, तो रफ करते हैं तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, इस कारण कभी कभी चट चट से भी आवाज़ आता है। कंघी में अगर हम ऐसे करके कंघी को अगर रफ करते हैं इस सरफेस को, तो यहाँ भी क्या होता है, कुछ देर रफ करने के बाद गर्म होने लगता है। क्यों गर्म होता है, हीट जनरेट होता है, हीट में हीट क्यों जनरेट होता है, प्लस माइनस के उसमें वो होता है ना, रिएक्ट होता है, इसलिए होता है जी। तो उसी को बोल रहा है एकांक धन आवेश की को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसका, एकांक स्वतंत्र धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट वी से करते हैं। यह एक कैसी राशि है जी, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। और जैसे इसको फॉर्मूला के रूप में देखें तो फॉर्मूला के रूप में कैसा दिखेगा, ये वी इक्वल क्या हो जाएगा, W अपान क्यू नॉट, W क्या हो जाएगा अपना कार्य हो जाएगा, और Q नॉट का हो जाएगा अनंत से विद्युत क्षेत्र के लिए होगा, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उसका विद्युत उस बिंदु का विभव कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, कार्य हो गया, ये क्या हो गया, आवेश हो गया, ठीक है। अब इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। V क्या होता है जी, वोल्ट होता है, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। और इसे आगे अगर यूनिट में कन्वर्जन करें तो क्या हो जाएगा, W की क्या होता है, एक जूल होता है। और आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कूलाम से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक जूल पर कूलाम नहीं हो जाएगा जी, एक जूल प्रति कूलाम। या तो इसको और आगे देखें फर्दर तो ऐसे लिख सकते हैं वन, ठीक है, एक कूलाम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु के किस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितने एक जूल का कार्य करना पड़ता है। यही तो बोल रहा है, मतलब एक जूल का कार्य करना पड़ता है अनंत से, अगर यहाँ से अपने को कुछ भी बिंदु इस बिंदु पे लाना है तो कितना, एक जूल कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे देखेंगे अगर, तो अब ये क्या था अपना, एसआई पद्धति में था, ठीक है जी। अब सीजीएस पद्धति में अगर इसी को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीजीएस। सीजीएस पद्धति क्या होता है, तो वर्क को वर्क ही रहेगा, क्वांटिटी क्वांटिटी रहेगा, लेकिन वर्ग को क्या लिखते हैं अपन, अर्ग लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, स्थैतिक कूलाम लिखते हैं, ठीक है, स्थैतिक कूलाम लिखते हैं इसको, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अर्ग
प्रतिस्थैतिक कूलम हो जाएगा सेम इसके जैसे, अगर आगे इसको डिफाइन करें तो। ठीक है, अब इसको विमी सूत्र में डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल में देखें तो कैसे लिखा जाएगा जी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल विभव का विमी सूत्र हिंदी में इसको बोलेंगे विभव का विमी सूत्र। विद्युत विभव का विमी सूत्र निकालने के लिए अपने को पता है V इक्वल क्या होता है W अपान क्यू नॉट होता है, तो अपने को W की क्या पता है इसकी पता है अपन पिछले क्लास में किए थे, तो एम एल स्क्वायर टी क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा और क्यू का क्या हो जाएगा ए टी हो जाएगा, तो टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा पावर थ्री नहीं हो जाएगा जी, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री और ए माइनस वन इसकी विमी सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोटेंशियल। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल कितना होता है, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। विभव के प्रकार कितने होंगे जी, क्या होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल और दूसरा होगा नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, इसको धनात्मक विभव बोलेंगे और एक को ऋणात्मक विभव बोलेंगे। अब धनात्मक विभव होता क्या है, जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव धनात्मक कहलाता है। धन आवेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक होता है। ठीक है, और ऋणात्मक क्या होता है, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत वैद्युत बल के द्वारा कार्य किया करना पड़ता है, तो इसे बल बिंदु पर का विभव ऋणात्मक कहलाता है। ठीक है, जैसे अपन इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल। अब पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल अगर परिभाषा के रूप में लिखें तो क्या होगा, जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के द्वारा कार्य किया जाता है तो उसे बिंदु का
ठीक है। जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं, एक एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत के विरुद्ध कार्य किया जाता है और इसमें के लाने के लिए कार्य किया जाता है, बिंदु तक लाने के लिए कार्य किया जाता है। इसके विरुद्ध कार्य करेंगे, इसमें विरुद्ध नहीं कार्य करेंगे तो ठीक है, एक विरुद्ध कार्य करेंगे तो पॉजिटिव, विरुद्ध नहीं कार्य करेंगे नहीं तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक होता है, ठीक है, इसे निगेटिव पोटेंशियल बोलते हैं। और आगे देखेंगे तो विद्युत विभव का मात्रक ओल्ड इटली के वैज्ञानिक, अब विद्युत विभव के बारे में अगर हम जान ही रहे हैं हम लोग, तो विद्युत के बारे में किसने बताया था जी हमें, विद्युत विभव के बारे में इसका मात्रक तो हम लोग वोल्ट बोल सकते हैं, लेकिन आगे अगर देखें तो इसको किसने बताया था, एलेस्ट्रोड, वोल्ट नहीं बोला था जी, एलेस्ट्रोड, एलेस्ट्रोड वोल्ट, इसने अपने नाम को ही वो डाल दिया इसमें, यूनिट वोल्ट ने किया था, इसके नाम पर रखा गया है। अनंत तक विद्युत विभव शून्य होता है अर्थात विद्युत क्षेत्र के बाहर, अब मान लो यहाँ पे कोई एक विद्युत क्षेत्र है लेकिन बाहर में क्या होगा जी, यहाँ पे धारा ऐसे प्रवाह हो रही है तो यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी ना, यहाँ पे केवल होगी जो भी होगी प्लस माइनस। विद्युत विभव का व्यवहार गुरुत्वीय विभव की भांति होता है, हाँ ये भी बोल सकते हो, विद्युत विभव का व्यवहार गुरुत्वीय विभव के जैसा होता है। ठीक है,